नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम नक्षत्र में। जो देख रहे हैं या जो आगे जुड़ेंगे उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम सभी के जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं जरूर आती हैं। ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए हाजिर हैं हम अपने एस्ट्रो गुरु राजीव शुक्ला जी के साथ। आज का पंचांग वो बताएंगे, दैनिक राशिफल यानी जो आपकी राशि है क्या असर है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज गुरु जी से हम ये भी जानेंगे कि ईशान कोण का क्या महत्व होता है और ईशान कोण किसे कहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, ये भी हम गुरु जी से जानेंगे। और उसके बाद आपकी कॉल्स के जरिए आपकी समस्याओं का निदान गुरु जी करेंगे। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ की नहीं पता है यानी ज़रूरत नहीं होती गुरु जी को, कोई बात नहीं है, टाइम की ज़रूरत भी नहीं होती है, आप सीधे गुरु जी से सवाल पूछ सकते हैं। ये सिर्फ आपकी आवाज़ से ही आपकी कुंडली यानी आपका भविष्य जान लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राजीव शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत भारत समाचार के इस खास प्रोग्राम, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ज्योतिष प्रोग्राम नक्षत्र में आपका स्वागत करता हूं। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को मेरा प्रणाम। शांताकारम भुजक शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम देहवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विज्ञान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। स्थिति बनाए रखने के स्वामी विष्णु और किस प्रकार से ग्रहों का संचालन होगा इसके स्वामी विष्णु जी, इस प्रकार से नवग्रह पीड़ा कैसे हरी जाए और क्या कहते हैं भास्कराचार्य सूर्य सिद्धांत और उसके साथ साथ नवग्रह के क्या क्या है सिद्धांत गागर में सागर लेके, किस प्रकार से आपकी ग्रह पीड़ा हरी जाए, कैसे भविष्य स्वर्णिम हो, छोटी छोटी बातें यथाशक्ति यथासंभव जो भी ज्ञान है आपकी सेवा में समर्पित है। तो आइए, कार्यक्रम की शुरुआत तो हो ही गई लेकिन पंचांग आज का क्या है, क्या कहता है वो भी गुरु जी जान लेते हैं। आज दिनांक 25 जनवरी 2018, दिन गुरुवार, माघ मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि का मान। शुभ समय 10:32 से 11:14 सुभाकालिक सिद्ध, राहु काल 1:38 से 2:58, दोपहर कालिक पुनः सिद्ध हुआ है। राहु काल और इसके साथ साथ अष्टमी तिथि का आज का मान देखें अगर तो दोपहर के बाद पड़ने वाला राहु काल और अश्विनी नक्षत्र सुबह सूर्योदय कालिक और उसके आसपास अश्विनी नक्षत्र और पुनः उसके बाद दिनमान और रात्रिमान में भरणी नक्षत्र का प्रभाव, चंद्र मेष राशि का प्रभाव लेते हुए और इसके साथ साथ मंगल का प्रभाव चंद्र के ऊपर आता हुआ, साथ के साथ अष्टमी तिथि यानी अचल लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति और अपने रोजगार से संबंधित विशेष ज्ञान अर्जन करने के लिए आज का दिन उत्तम, आज का दिन पंचांग, दिन मास दिवस, सभी भारत समाचार के दर्शकों को बहुत बहुत आज की शुभकामनाएं। तो बहुत शुभकामनाएं आचार्य जी ने दी और अब जान लेते हैं आपकी राशि फल क्या कहती है आज, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जानते हैं। भाचक्र की प्रथम राशि मेष राशि, प्रिय व्यक्ति से भेंट आपकी होगी, व्यर्थ के विवादों से आप दूर रहे मेष राशि, मंगल की मूल त्रिकोण राशि शुभत्व की प्राप्ति होती है, इसमें मंगल को, मंगल इस समय बलि है। साथ के साथ आज क्या करेंगे मेष राशि वाले, आज सुबह शिव जी का दूध और जल से इसका अभिषेक आपको करना है, बहुत ही अच्छा सुंदर उपाय होता है। और कुछ ध्यान देने वाली बातें ये भी, आज संपत्ति संबंधित कोई भी ठोस निर्णय, किसी भी प्रकार का ऐसा निर्णय जो लंबे समय का हो वो ना करें। वृषभ राशि वालों, नौकरी में प्रमोशन के आपके योग हैं, क्रोध पर लेकिन संयम रखना है, आज छोटी सी बात पे क्रोध आने की संभावना भी बढ़ सकती है, थोड़ा सौम्यता बनाए रखें। गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं, मोदक लड्डू सब एक ही बात है, वो आप कर सकते हैं, आप उनको अर्पित कर सकते हैं, वृषभ राशि का जहाँ तक प्रभाव है। वृषभ राशि वाले अगर छात्र हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ लिखने पढ़ने का कार्य ना करें, वैसे तो सभी छात्र ही हैं जिस भी कार्य में हैं उसमें भी ये ध्यान रखेंगे, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो ये उन्नतिकारक बनेगा आपका वृषभ राशि। मिथुन राशि, व्यापार में आपका लाभ होगा, आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने का एक समय ये दिख रहा है। आज सुबह क्या करना है, लाल फूल विष्णु जी के मंदिर में आप चढ़ाएं, आप पाएंगे कि ये शुभत्व का कार्य है। आज भोजन में लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग, जो थोड़ी सी मादकता दे सकते हैं, या उन सब पदार्थों का प्रयोग वर्जित रखें, रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा। कर्क राशि वालों का जहां तक
प्रभाव है और साथ के साथ निवेश यदि आपने किया हुआ है या करने की सोच रहे हैं तो ये लाभकारी सिद्ध होने की तरफ बढ़ सकता है। आज का पंचांग इंगित करता है। विष्णु जी को पूला पीला पुष्प आप अगर अर्पित करेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन में एक सुंदर कोण आया है। सहकर्मी के भरोसे आज अपना कार्य न छोड़ें, अन्यथा कुछ त्रुटि आने की संभावना हो सकती है। धार्मिक कार्यों में धन खर्च आपका होगा सिंह राशि वालों, और प्रसन्नता भी बनी रहेगी। कुल मिला के सिंह राशि का दिनमान रात्रिमान दोनों उत्तम। विष्णु जी को गुड़ का भोग लगाएं। आप पाएंगे कि किस प्रकार से आप एक छोटे से कार्य करके आपको लाभ हुआ है। आत्मविश्वास को कम ना होने दें। सिंह राशि वालों मंगल और सूर्य प्रबल होते हैं। पारिवारिक माहौल आपका सुखद रहेगा। कन्या राशि वालों यात्रा के भी आपके योग दिख रहे हैं, तो यात्रा के योग आपके शुभत्व की तरफ बढ़ा देंगे। गणेश जी का ध्यान करें और रुके हुए कार्यों को विघ्न विनाशक गणेश जी का ध्यान करें तो दूर करें। किसी को व्यापार से संबंधित कोई भी सलाह ना दें और ना ही लें, ये भी ध्यान रखें। नेत्र संबंधी रोग आपके हो सकते हैं। तुला राशि वालों जोखिम भरे कार्य ना करें। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, शुभत्व बढ़ा लीजिए। भूमि भवन की लेकिन खरीदारी करने के लिए आज के लिए उत्तम दिन बता रहा है चतुर्थ भाव बलि। शत्रुओं को कमजोर ना समझें, ये जरूर ध्यान रखिए और सचेत रहें। ये ना मान के चले कि कहीं आप सावधानी नहीं हटा सकते। शत्रु परास्त होंगे वृश्चिक राशि वाले। व्यवसाय और व्यापार आपका बिल्कुल ठीक चलेगा, यानी एक उन्नत दिशा में आपको चलता हुआ दिखेगा, और व्यापार में आप शेयर खरीद सकते हैं, ये ध्यान रखें। जहाँ तक मंगल की राशि का प्रभाव है, मांस मदिरा का सेवन कदापि वर्जित रखें, ये बिल्कुल ही अनिष्टकारी हो सकता है। विवाद से दूर रहे। मित्रों के सहयोग से आपके कार्य जरूर संपन्न होंगे, ये ध्यान रखिएगा। धनु राशि वालों का कुल मिला के उत्तमता। आज गरीबों को पुराने कपड़े का दान करें, जो भी आपके पास है जरूरतमंद को दें। आज महिलाएं दक्षिण दिशा की यात्रा, धनु राशि की महिलाएं दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें तो सुखद परिणाम की प्राप्ति होगी। व्यापार में विस्तार के आपके योग हैं। धन खर्च के भी मकर राशि वालों के योग हैं, और धन ये शुभ कार्यों में ही खर्च हो सकता है। मित्रों को पढ़ाई में, ज्ञान में, ज्ञानार्जन में इत्यादि सहयोग करें, मकर राशि वालों का अच्छा कार्य बनेगा ये। रिश्तेदारों से धन संबंधित वायदा ना करें, अपने रिश्तेदारों को धन का वादा भी ना करें। व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा। इंटरव्यू इत्यादि यानी साक्षात्कार वगैरह में आपको जरूर सफलता मिलने का योग है, यदि अगर कोई है तो जरूर करें। कार्य पूर्व दिशा में धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। आपकी धार्मिक यात्रा पूर्व दिशा की तरफ जरूर अच्छी और अच्छे प्रभाव देने की तरफ बढ़ेगी। किसी व्यक्ति से पारिवारिक विवाद में सलाह ना लें। अपने पारिवारिक विवाद जो भी हो स्वयं निर्णायक भूमिका में लेके निर्णय लें उसका। निवेश में सावधानी रखें। मूल्यवान वस्तु आपकी जो है वो कहीं ना कहीं गुम हो सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हनुमान जी के मंदिर जाएं, पुजारी जी को एक जोड़ा जनेऊ का आप दान करें, यानी उनको समर्पित करें, अर्पित करें। आज चमड़े से बनी हुई वस्तु कदापि ना खरीदें। तो दर्शकों, मेष से मीन पर्यंत सारी राशियां अपनी राशि ध्यान रखिए और अपने अपनों की भी, और उनको इस प्रकार से बताए हुए शुभत्व के कार्यों को प्रसाद रूप में वितरण करिए और अपना जीवन सुखद बनाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका डिमडिम घोष और इसको लेते हुए आप अपने और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए, अपनी सेहत इत्यादि का बहुत ध्यान रखिए। सबको बहुत शुभ हो, मंगल शुभ हो, मंगल हो, ये गुरु जी ने कही दिया है सभी 12 राशियों के लिए। अब जानते हैं गुरु जी से कि ये ईशान कोण होता क्या है, कैसे हम जाने और इसका महत्व तो क्या है। गुरु जी, हम और आप तो जानते होंगे ईशान कोण क्या है, हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए वो कैसे जाने कि ये ईशान कोण है और उसका महत्व तो क्या है। ये दोनों चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। ज्ञान विज्ञान और ध्यान। नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमी शान, बहुत खूब। इसका मतलब यह हुआ कि ईशान भगवान शिव का ही स्वयं नाम है, और जहाँ शिवत्व है वहाँ शुभत्व है, और वहाँ पे संस्कार है, वहाँ पे स्वच्छता है, और इनका आधिपत्य शिव जी का अगर स्थान लेते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा
यानी नॉर्थ ईस्ट का अगर हम ले कर चलें तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि ईशान कोण में, ईशान कोण को शुभत्व बढ़ाने के लिए चाहे व्यवसायिक हो और चाहे भूखंड हो और चाहे इसके साथ रहने का फ्लैट इत्यादि हो या कोई भी मकान हो, दुकान हो या साथ के साथ ऑफिस इत्यादि कहीं हो, आप ये मान के चलिए कि जो बहुत ज़्यादा शुभत्व प्रदान करता है वो ईशान कोण का ही वास होता है। जहाँ शिवत्व है वहाँ पे ही देवताओं का भी वास माना गया है, जल से संबंधित स्थान का कारक माना गया है और साथ के साथ सूर्योदय की जो किरणें पड़ती हैं, ऐसा कहा गया है वास्तु शास्त्र में कि सूर्योदय की किरणें ईशान की तरफ से आने ही चाहिए, चाहे घर हो चाहे कहीं। इसका मतलब ये होता है कि जो हम कहते हैं अगर एनर्जी, जो भी चुंबकीय रेखा के हिसाब से अगर आप एनर्जी देखें या आप शक्ति का प्रादुर्भाव देखें तो ये ईशान कोण की तरफ से ही आता हुआ दिखता है। इसको शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए और भार रहित रखना चाहिए। भार रहित का मतलब जैसे अगर वहाँ पे सब सामान आपने कबाड़ इत्यादि अगर गलती से रख दिया हो तो आप ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से कलह और खर्चों की वृद्धि, विभिन्न प्रकार से कलह और विभिन्न प्रकार से खर्चों की वृद्धि होगी और कष्ट भी हो सकता है, बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है। और बुद्धि यहाँ तक देखा गया, अगर ईशान कोण कलुषित है किसी भी स्थान का तो निश्चित रूप से वहाँ पे भ्रष्टता के साथ साथ एक प्रकार का मलिनता ये आ सकती है उस स्थान पे। दूसरी बात ये है कि कुछ प्रयोग जरूर बताए गए हैं इसको लेके। जैसे ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए ईशान कोण में दूषण है किसी भी प्रकार से तो गृहिणी उसकी वहाँ पर ये बीमार हो सकती है और बहुत सारे और भी अन्य चीज़ें भी बताई गई इसके साथ साथ। तो शुभत्व बढ़ाने के लिए क्या करना है, तुलसी का पौधा, तुलसी जी का एक पौधा निश्चित रूप से होना ही चाहिए और तुलसी का पौधा तो वैसे हर जगह होना चाहिए और अगर ईशान में रख लिया तो आप समझ लीजिए कि 90% का वास्तु दोष आप एक छोटे से प्रयोग केवल तुलसी जी को जल दे के ही दूर कर सकते हैं। इसमें नित्य जल देना चाहिए और ये करने से शुभत्व और शुभत्व के साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा शिवत्व की इसकी प्राप्ति होती है। इसका महत्व कई जगह दिया गया है और ये पाया भी गया है। खास तौर से जैसे मान लीजिए अगर अध्ययन की बात आती है तो अध्ययन के लिए अगर मुख करना चाहिए तो ईशान की ही तरफ करना चाहिए और अध्ययन यदि आप करें और अगर घर का मुखिया ही अध्ययन ईशान कोण में करे या अध्ययन से संबंधित वहाँ पर पुस्तकें, लोग क्या करते हैं ज़्यादातर ईशान कोण में मंदिर इत्यादि की या जो छोटा बड़ा जैसा भी है उस तरफ करके उस दिशा में उसकी स्थापना करते हैं। और जल का यदि स्रोत यहाँ पे होता है तो उसका भी एक प्रभाव अलग देखा गया है। बहुत सारे प्रयोग होते हैं ईशान को लेके और ईशान कोण को लेके जो भी जितने भी प्रयोग देखे गए हैं उसमें सबसे अच्छी बात ये देखी गई है कि वहाँ पे अगर किसी प्रकार की कहीं और किसी अन्य प्रकार से घर में वास्तु का अगर प्रभाव, ये वास्तु का ही शास्त्र नहीं है, वास्तु का शास्त्र ये है कि अगर आपको अपने जीवन को स्वर्णिम बनाना है तो स्वर्णिम बनाने के लिए एक छोटा सा एक ये उपाय भी बहुत अच्छा रहता है। कई प्रकार की ये हमारा प्रयास रहता है कि दर्शकों को हर रोज़ कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे वो स्वयं जान के जागरूक हों और देखें कि उनके शास्त्रों में कितना बल है और ये भी देखें कि छोटी छोटी बातें जो नहीं मालूम होती हैं उसको प्रयोग करके किस प्रकार से आप अपने घर का जैसे ईशान कोण का आज हम जो बता रहे हैं उसमें किस प्रकार से एक छोटा सा स्थान वो देख के। और अगर कभी उत्तरी दिशा यानी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की दिशा कभी होता है कि शेप सही नहीं होता है मकान इत्यादि का या दीवार इस प्रकार से बनी है कि वो कट सी गई है, यानी कहने का मतलब है एक एंगल या एक कोण उपयुक्त नहीं आया है, तो वास्तु शास्त्र की दृष्टि से वहाँ पे जरूर एक प्रकार का जिसको कह सकते हैं दर्पण, मिरर, ये भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि अगर कटी हुई दीवार यानी कि अगर समुचित नहीं है यानी अगर सीध में नहीं है या किसी प्रकार से कट गई है या उस प्रकार का कोण है जो कोण आपका उचित नहीं है तो वहाँ पे एक आप लगा सकते हैं दर्पण। दर्पण लगाने से आप ये पाएंगे कि वो ईशान कोण की जगह आपने बढ़ा दी है।
बढ़ा हुआ ईशान और संकुचित नैऋत्य, ये अच्छा जहाँ तक वास्तु है ये बोला गया है। ईशान का ये महत्व है और मैं आशा करता हूँ सभी दर्शक इस प्रकार की चीज़ देख के छोटी छोटी सावधानियाँ जरूर बरतेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि सिद्धि बुद्धि सहितायाम यानी सिद्धि और बुद्धि के साथ आप अपना ये कार्य और शुभत्व जरूर प्राप्त करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया। तो वाकई गुरुजी, मुझे भी ईशान कोड के इतनी सारी जानकारी नहीं थी, इतना महत्व नहीं था। अब मैं भी जब घर में पढ़ने बैठूंगा तो ईशान कोड में ही मुंह करके पढ़ूंगा। बहरहाल मंगाराम बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से गुरुजी की बात सुन भी रहे हैं और ईशान कोड के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। बहुत स्वागत मंगाराम आपका। आप पहले भाग्यशाली कॉलर हैं नक्षत्र के। आप क्या जानना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से जुड़ी क्या समस्या आप गुरुजी से साझा कीजिए। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, प्रसन्न रहिए, आनंद से रहिए। गुरुजी ऐसा है, मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो मेरी तारीख डेट ऑफ बर्थ है। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं हम आप लोग। 1-3-1955 8-2-1955 और टाइम है सुबह 5:10। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो मेरा जो है केस चल रहा है दुकान खाली कराने का, उसके बारे में कब तक खाली होगी। और दूसरा है मेरे बेटे का CA नहीं हो रहा। मुझे दो क्वेश्चन है, मेरे दो क्वेश्चन है गुरुजी इनके। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, आप जैसे सवाल लिए उसी में घबरा गए, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। आप गुरुजी के पास आए हैं, सारी समस्याओं का निदान देंगे, थोड़ा धैर्य रखिए गुरुजी प्लीज। सबसे पहले तो आपको एक चीज हम बता दें, जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया है तो हम समय का थोड़ा सा अभाव होता है, इसलिए एक प्रश्न आपका जरूर ले लेंगे और वो ये प्रश्न है कि किस प्रकार से आपके ऊपर मुकदमे का प्रभाव है। मुकदमे का प्रभाव अभी यदि आप सुन रहे होंगे तो ईशान कोण का मैं महत्व बता रहा था, तो ईशान कोण जरा चेक कर लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं संकुचित होगा और नैऋत्य कोण आपका ज़्यादा होगा। नैऋत्य मतलब साउथ वेस्ट। तो अगर आप ये देख लेंगे और इन दोनों में जो भी सामंजस्यता है वो बना लेंगे, और तीसरी बात ये है एक छोटा सा प्रयोग भी करना पड़ेगा आपको, आपको ग्लोब स्टील के और पीतल के 3 ला के रखने पड़ेंगे और वो दो पीतल वाले 2 ईशान कोण में और स्टील वाला 1 नैऋत्य कोण में। छोटा सा प्रयोग है, करके देखिएगा। और दुकान का भी जहाँ तक आपने पूछा है केस, वो इस गणना के हिसाब से अभी आपको जुलाई से अगस्त, इससे पहले चैन लेने नहीं देगा, तब तक आपका ये केस आपका चलता रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा उसके बाद का जो कालखंड आए उसमें कलह ना बढ़े, तो पुनः आप एक बार संपर्क करिएगा जरूर। शेष शुभ। राजधानी लखनऊ से अभय हमारे साथ जुड़े हैं। अभय आप बताइए आपका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम, प्रसन्न रहिए। गुरुजी हमारी डेट ऑफ बर्थ है 24-1-1999। जी आप प्रश्न करिए अपना। गुरुजी हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा और मतलब कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब है ही होगा और कब तक हो जाएगा, और हमारे पापा की तबीयत खराब रहती है, वो कब तक ठीक हो जाएंगे। देखिए 2-3 बातें हैं और इन दोनों तीनों बातों में एक बात बहुत कॉमन आ रही है और जिस प्रकार से आपका वो भी है कि जब दो ग्रहों के बीच में सूर्य भगवान सूर्यदेव यदि इनका अगर आ जाता है तो अड़चनें आती हैं दो प्रकार से, पिता और सरकार से संबंधित कार्य। अभी थोड़ा सा सूर्य की आपके पावर इस समय जो भी चल रही है वो थोड़ा सा इस समय दबी हुई है और इस समय सुप्तावस्था में सूर्यदेव का प्रभाव दिख रहा है। आप सबसे पहले तो अर्घ देना शुरू करिए सूर्यदेव को, और दूसरी बात ये ओम घणे सूर्यादित्याय नमः, ये मंत्र याद कर लिए, ओम घणे सूर्यादित्याय नमः, ये बीज होता है और इसको जिस दिन आपके 1,72,000 बार के ये मंत्र का आवरण पूरा हो जाएगा, इसमें कई दिन लग जाएंगे आपको, तब ये आप समझ लीजिएगा आपकी कुंडली के हिसाब से आपके सूर्य की पावर सुप्तावस्था से जागृत हो सकती है। इसको करिएगा जरूर और आप पाइएगा, ये करेंगे तो ये आपकी दोनों समस्याएं उचित दिशा में, अन्यथा लाभ होने की स्थिति कम दिख रही है। आचार्य जी सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू अपना प्रश्न पूछिए गुरु जी से। नमस्कार, प्रसन्न रहिए। मेरी सरकारी जॉब कब तक लग जाएगी? सरकारी जॉब कब तक लगेगी? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है?
चलिए कोई बात नहीं गुरु जी, हमें तो डेट ऑफ बर्थ की कोई जरूरत है नहीं, कोई जरूरत और नहीं, और टाइम की जरूरत है जी, तो इन्हें बता दीजिए जी। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपका प्रश्न है ये इन्होंने जो पूछा है एक अलग विद्या के माध्यम से, ये छठे का, बारहवें का और नौवें का प्रश्न पूछ लिया है। और नौवें का अन्योन्यासिक संबंध पंचम से भी रहता है, यानी महत्वाकांक्षा आपकी पूरी पूरी सरकारी की तरफ ही बढ़ रही है। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं, आपको बीच बीच में जो अन्य लोगों से आपको सलाह मिल जाती है किसी जीविकोपार्जन के लिए, उसको आप अनदेखा कर देते हैं। तो इसलिए उसको अनदेखा ना करें, कुछ समय जरूर आप प्रयास करिए। प्रयासों में थोड़ी कमी दिख रही है और इसमें सूर्य के साथ शुक्र का बाधकता दिख रही है, तो आप क्या करिए, त्रिचौली ले लीजिए। त्रिचौली मतलब आटा, चावल और शक्कर, इसका इसको पीस के मिश्रण बना लीजिए और किसी भी शुक्रवार शुक्ल पक्ष से शुरू करते हुए आप 38 दिन लगातार चींटियों में डालिए, भूरी काली चींटियां इत्यादि, उसका आप वितरण करिए। आप पाएंगे कि इस प्रकार से जो शुक्र से संबंधित आपका सूर्य के साथ जो कारकत्व है वो जो बिगड़ गया है वो भी ठीक हो जाएगा। शेष शुभ, शेष फिर कभी। आचार्य जी, विष्णु हमारे साथ जुड़े हैं, उससे पहले एक मेरा छोटा सा सवाल है। आपने एक इसके पहले एक कॉलर को बताया था कि 172,000 बार मंथ करना है, अगर ये इससे ज़्यादा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं? ज़्यादा हो जाए, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, साधुवाद आपको। कुछ बातें जल्दी में हम भी बताना भूल जाते हैं और उस चीज़ का वो प्रादुर्भाव ये होता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो आवृत्ति ज़्यादा होने में वो कठिनाई नहीं है, कम आने में थोड़ा सा, यानी ज़्यादा हो सकती है। विष्णु जी अपना सवाल पूछिए, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ गुरु जी, मैं क्यूरियोसिटी हुआ कि आप आवाज से बता देते हैं सर, तो मैं 1960 सितंबर की पैदाइश है मेरी, लेकिन इसी क्यूरियोसिटी से कि आवाज से आप सब कुछ बता देते हैं, तो मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ, आपको फोन मिलाया सर जी। बहुत बहुत आपको साधुवाद। अलग अलग विद्याएं होती हैं, देखिए इसमें कई चीजें होती हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। कभी कभी कोई विद्या में कोई पारंगत हो जाता है, कोई विद्या में कोई, लेकिन ये एक ऐसी गोपनीय विद्या है जो लोगों के कल्याण के लिए ही केवल यूज़ होती है। तो इसलिए इस ज्ञान का प्रभाव आपने जिस प्रकार से पूछा है, और उसमें एक बात और भी है, आपने जो पूछा है उसके हिसाब से प्रश्न ये था कि आपका एक प्रकार से जाचक प्रश्न आ गया। जाचक मतलब जानना, कौतूहलवश प्रश्न आ गया। कौतूहलवश प्रश्न जरूर किया करिए, लेकिन थोड़ा कम किया करिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा इस समय आपका दाम्पत्य तो बहुत अच्छा है और कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो आपके लोगों का जो चुनाव हो गया है पिछले 8 महीने से, उस चुनाव को थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा। और बाकी आपका सबसे शुभ है, जून 14 के बाद से आपको निश्चित रूप से जो भी आपके अपने जो रुके हुए लाभ हैं वो प्राप्त होने का समय शुरू होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। शेष शुभ, शेष फिर कभी संपर्क करिए। आचार्य जी, शशांक हमारे साथ जुड़े हैं, शशांक आपका प्रश्न क्या है? गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, प्रसन्न रहिए। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 1989 और टाइम है 6:33। मैं अपने फ्यूचर के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, कैसा रहेगा इनका फ्यूचर बता दीजिए। जी, फ्यूचर का जो प्रभाव लिया है वो निश्चित रूप से सूर्य वृश्चिक राशि में आपकी कुंडली में गोचर भी है, और उसके साथ साथ देख लीजिएगा, और सूर्य का मंगल से संबंध, तो जब भी सूर्य का मंगल से संबंध हो जाता है ऐसे जातक को 8 साल दिक्कत आती है कभी भी किसी भी करियर को बनाने में, 8 साल की मेहनत कराते हैं उसके बाद, लेकिन उसके बाद अच्छा प्रभाव देते हैं। चाहे ये एक ऐसा प्रभाव होता है, ऐसे को जरूर प्रॉपर्टी से और निवेश से संबंधित जरूर फायदा होता है। बस ये आपका फ्यूचर है, इन्हीं तरफ आप इंगित कर देते हैं हम आपको, संकेत में समझ लीजिए, इस तरफ बढ़ जाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का फोन कॉल करने के लिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, अगले एपिसोड में देखेंगे, घड़ियों की दिशा आपकी दिशा बताएगी, अगले एपिसोड में जानेंगे। उससे पहले तमाम ऐसे दर्शकों के जो कॉल नहीं कर सके होंगे, उनकी कॉल नहीं लगी होगी, वो आचार्य जी के व्यक्तिगत नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो मेल कर सकते हैं, ये आचार्य जी की मेल आईडी है bsnakshatra@gmail.com, वो आपने देख ही लिया, और ये मोबाइल नंबर है, सीधे संपर्क कर सकते हैं। ये आचार्य राजीव शुक्ला जी का ही नंबर है जो आपकी आवाज से आपके भविष्य को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम समस्याओं को निदान किया और खासकर ईशान कोण के बारे में दर्शकों को अपडेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
इस प्रोग्राम के सह संयोजक हैं MMR ग्रुप, बिल्डिंग बियॉन्ड एक्सीलेंस, शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ, सबके मन को भाए, राजेश मसाला पापड़ और गुलाब जामुन।